यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब। दोस्तों जब तक फिल्मी दुनिया रहेगी तब तक दिलीप साहब का नाम रेस्पेक्ट से लिया जाएगा। फिल्मी दुनिया का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो दिलीप साहब से शुरू होगा और दिलीप कुमार साहब से समाप्त होगा। आज के जितने कलाकार जो भी, चाहे अमिताभ बच्चन हो, पहले के मनोज कुमार हो, शाहरुख, सलमान, अक्षय, सारे ही लोग दिलीप साहब से प्रभावित। वो एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट थे, सबने उनसे कुछ ना कुछ सीखा और आने वाली पीढ़ियां भी दिलीप साहब से सीखती हैं। ज्वार भाटा से करियर दिलीप साहब ने शुरू किया। अगर उनकी फिल्मों को मैं याद करूं तो कर्मा कौन भूल सकता है, कर्मा, क्रांति, शक्ति, मशाल, बैराग, राम श्याम, फिर देवदास, मुगले आजम, गंगा जमुना। चाहे कॉमेडी की बात हो चाहे ट्रेजिडी की बात हो, दिलीप साहब अपने आप में एक संस्थान थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला उनको, फिल्म फेयर 8-9 बार फिल्म फेयर मिला, और इस महान हस्ती से सबने सीखा और हम सब हमेशा उन्हें मिस करते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि दिलीप कुमार साहब को मैंने कई बार हंसाया। मेरे कई इवेंट में दिलीप साहब चीफ गेस्ट थे और सामने बैठ के हंसते थे, एकदम बच्चे की तरह हंसते थे। लगता नहीं था कि इतने महान अभिनेता सामने बैठे हुए हैं, बड़ा कंफर्टेबल कर देते थे सामने वाले को। तो आई एम लकी कि उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। और किसी इवेंट में आते थे और उनको जल्दी भी होती थी जाने की, लेकिन अगर मुझे देख लेते थे तो कई बार कहते थे कि तुम्हें सुन के जाऊंगा। तो ये मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह है और हमेशा मैं मिस करूँगा।